हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रडर शर्मा जी। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों के दोस्तों कोई राइड पे नहीं गए, लगभग 2 महीना हो गया। दिवाली सीजन था, कुछ बिजी थे दिवाली में और उसके बाद शादियां आ गई। तो अब जैसा हम फ्री हुए हैं और 2 महीने बाद आज हम राइड पर जा रहे हैं। राइड ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी है, भीलवाड़ा के पास में चावंडा विलेज है और चावंडा विलेज के बारे में आपको वहाँ पहुँच कर बताऊँगा। फिलहाल हम चलते हैं IRB ढाबा, जहाँ पर हम सबको मिलना है। लगभग 2:30 का हमारा टाइम है और 2:50 या 3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं IRB ढाबा। अभी जस्ट मुझे शीतल सर का कॉल आया है। शीतल सर अपनी न्यू थार लेके आ रहे हैं। IRB ढाबा आप गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। भीलवाड़ा के जस्ट बाहर जो रिंग रोड है वहीं पर ही IRB ढाबा है हमारा, आयरन आर्टिस्ट भीलवाड़ा, जो हमारे ग्रुप का नाम है। और वहीं पर सबको मिलना है और वहीं से हम सब चावंडा मिलेंगे। भाई आ गए हैं और पीछे पीछे शीतल सर भी आ गए हैं। तो ये है हमारे शीतल सर की न्यू थार। तो सर बहुत बहुत बधाई हो और कांग्रेस हमारे शीतल भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो, न्यू कॉन्टिनेंटल जीत लिए। फोर भाई फोर है ये, और ये 4 सीटर लिए सर ने। इसमें एक 6 सीटर वाला वेरिएंट भी आता है, ये एक 4 सीटर वाला है। बहुत ही पावरफुल और एक ज़बरदस्त मशीन है ये, मतलब कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है तो आप ये लीजिए गाड़ी। आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एक पर एक नई मशीनें आई जा रही है। KTM ड्यूक डोमिनार 400, क्योंकि एक आज नए राइडर हमारे साथ में जा रहे हैं शाहरुख भाई, और अजय भी आ गया है, अजय भी चलेगा। तो मतलब बहुत मस्ती होने वाली है आज ग्रुप में। तो ये है शाहरुख भाई की गाड़ी डोमिनार, और अजय की बाइक ये गौरव, ये मेरी बाइक ये कृतेश भाई की, और ये शीतल सर की। आज की राइड जो है हमारी चावंडिया है। चावंडिया बेसिकली एक बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड्स के पास जाने का सबसे पहला रूल होता है आप चुपचाप बैठो, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, एक्सीलेटर नहीं देना है। जो हमेशा जो ब्रीफिंग करता हूँ रूल्स हम फॉलो करेंगे, एवरीबॉडी हमको देख के हमको हमसे इंस्पायर होंगे कि ये लोग हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। पहला जो लीड कर रहा है आज सुनील जी लीड कर रहे हैं, मैं टेल कर रहा हूँ, मैं सबको वॉच करूँगा। सुनील भाई जो एक्शन करेंगे, जो कोई डोंकी आ रहा है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है वगैरह, वो एक्शन करेगा, वो एक्शन सब जने फॉलो करेंगे। सही बात। सिंगल फाइल में ही चलेंगे, ज़्यादा लंबी राइड है नहीं, डबल फाइल नहीं करेंगे। सही। और डिस्टेंस जो है वो कम से कम 10 फिट का रखेंगे। 10 फिट का टेल, द फॉलो द टेल, फॉलो द टेल हमेशा मैं बोलता हूँ, वो सभी लोग फॉलो करेंगे। कांच में देखते रहेंगे, पीछे वाला धीरे हो गया या दिख नहीं रहा है, धीरे होना है, रुकना है, सभी रुक जाएंगे, लेकिन सब साथ में ही रहेंगे। यस सर। कोई ब्रेक नहीं है बीच में, सीधा चावंडिया। ठीक है सर। राइट तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से।
कोटा हाईवे रोड है और यहाँ से चामुंडा का बोर्ड लगा हुआ है और 1 किलोमीटर अंदर है ये विलेज। इसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनली हम चामुंडा विलेज में पहुंच गए हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर है सामने जो आप देख रहे हो, ये तालाब के बीच में है। और प्रसन्न होइए, आप बर्ड विलेज में हैं। तो इस गांव की जो खास विशेषता यही है कि यहाँ पर विदेशी अंदेशी पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं सर्दियों में। ये जो सामने आ रहे हैं राहुल भाई, ये वो हमारे लेट आने वाले हैं। वेलकम वेलकम, थैंक यू। अभी सब हम अपनी बाइक लेकर और पीछे जो ये रास्ता जा रहा है उस पर जाएंगे। पीछे एक इमली का पेड़ है, वहाँ सब अपनी अपनी बाइक्स लगाएंगे, फिर आगे हम ट्रैकिंग करते हुए पक्षियों को देखेंगे। हाँ, इमली के पेड़ तो और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और यहाँ जितने भी ये पेड़ पौधे हैं सब ये गाँव के यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उन्होंने और साथ में कुछ संस्था और छात्र जो है वो हर साल यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं, जिससे कि क्या है कि जो आने वाले पक्षी हैं वो ज़्यादा तादाद में आए यहाँ पर। अभी मैं इस तालाब के पीछे वाले हिस्से पे हूँ जहाँ पर सामने एक पेड़ पर काफ़ी सारे पेंटेड सॉक्स बैठे हैं, काफ़ी सारी कॉर्मोरेंट्स हैं वो तैर रही है यहाँ पर। और यहाँ मैं पिछले साल भी आया था, उस वक्त यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था तो हम यहाँ तक आ नहीं सके। वैसे जो विलेज चामुंडा विलेज है, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है वो बीच में, और ये लगभग भीलवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर पर है और एक पर्यटक स्थल है। फोटोग्राफी अगर आपको अच्छी करनी है बर्ड्स के लिए तो वो यहाँ पर आते हैं। और पीछे जो आप ट्रैक देख रहे हो ये बहुत अमेजिंग था, जिसका वीडियो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। और बाकी गोपाल बताएगा इनके बारे में कौन कौन सी यहाँ पे प्रजाति आती है, कहाँ कहाँ से ये पक्षी आते हैं। हाँ गोपाल, मेनली यहाँ पे बाहर से तो कम है लेकिन अपने नॉर्थन हिमालय के यहाँ से काफ़ी पक्षी आते हैं, जिनमें से आपको पेंटेड स्टॉक सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, उसके अलावा आपको ब्लैक स्टॉक्स और स्टॉक्स की कुछ और जातियाँ। ये सामने उड़ रहा है, ये क्या है सामने? ये ग्रिट है, ये ग्रेट ग्रिट है और इसमें मेडिटेरियन ग्रिट और लिटिल ग्रिट भी यहाँ काफ़ी मात्रा में रहते हैं। उसके अलावा ग्रे हेरोन्स की बहुत सारी जातियाँ और आपको गूज एवाबिल्स हॉर्नबिल्स काफ़ी मात्रा मिल जाएंगी आपको। और उसके अलावा आपको यहाँ पे डक्स की बहुत ज़्यादा डक्स कम से कम 50 जातियाँ आपको मिलेगी इससे। और इस साल तो बारिश कम हुई है तो यहाँ पे काफ़ी कम पक्षी हैं और ये सारी अपनी कॉलोनियाँ बसाते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो पक्षी बैठे सामने यहाँ है ये हैं, तो ये सब अपनी अपनी कॉलोनियाँ बसाते हैं। ये कॉर्मोरेंट की भी काफ़ी सारी प्रजाति है, 3-4 जातियाँ आती हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा वैसे कॉर्मोरेंट ही है ना यहाँ पे? नहीं, पेंटस्टॉक। पेंटस्टॉक, ओके, डक्स, पेंटस्टॉक और कॉर्मोरेंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये विलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी इसे काफ़ी अच्छे से सजो के रखा हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, वृक्षारोपण वो हर साल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पक्षी आएँ। और एक पर्यटक स्थल बना हुआ है
और बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आसपास के लोगों को, जो भीलवाड़ा के आसपास के शहरवासी हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए और इस प्लेस को विजिट करना चाहिए अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो। वैसे मैं भी पिछले साल ही यहाँ पर आया हूँ, बाकी मैंने कभी चावंडिया के बारे में सुना नहीं था। नाम सुना है गाँव का, बट यहाँ पर मैं कभी आया नहीं था। मैं भी लास्ट ईयर ही आया हूँ और आज मैं मेरे पूरे ग्रुप के साथ में आया हूँ। तो सर यहाँ पर अपनी थार का टेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये जगह, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इस जगह पर आना ना भूलें अगर भीलवाड़ा के अगर आसपास आप रहते हैं तो। अभी थोड़ी ऑफ रोडिंग बाकी है, वो भी कर लेते हैं।